हेलो गाइस, नया दिन नया शुरुआत एंड आई एम बैक विद माय न्यू ब्लॉग एंड इट वाज अ वीकेंड। कल सब लोग मेरे घर पे आए थे, सुकन्या, साजन, हिवाना वगैरह वगैरह। बहुत मजा किया, बहुत अमेजिंग से खाना खाया। वीडियो नहीं बनाया बिकॉज आई वाज नॉट इन दैट मूड। आई वाज लाइक अरे ठीक है, बहुत टाइम बाद मिले तो चिलिंग कर रहे थे। एक लुक दिखा देती हूँ सबका। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जीतू भैया के यहाँ। तो मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो बस रात में 5 बजे सोए हैं और अभी उठे तो आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा एकदम फटाफट मैं नहाई हूँ बस और रेडी होके आ गई, क्योंकि इतना ज्यादा सब लोग नींद में थे और सुकन्या को उसका क्लास में भी आना है 2 बजे से और अभी 12:30 हो गए, तो इसलिए हम लोग ने फटाफट तैयार हुए हैं और बस जीतू भैया जा रहे हैं। इधर मीशू में ड्राइव कर रहे हैं, वो तीनों दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ जीतू भैया के यहाँ पे और बताती हूँ कि हम लोग और क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे, क्या क्या जीतू भैया ने बनाया है और हम लोग ने क्या क्या मस्ती की है। और स्टे ट्यून उसी के लिए। ओके, तो हम सब लोग आ गए इधर, देखिए। और ये लोग कुछ कुछ सामान लेके आए, ऑल दो मैंने इनको वो करना चाहा स्पॉइल, फोन करके बोला कि रवीना को सब बंद है क्योंकि उसको मीठा खाना भी बंद है, तो इन लोग को बोला, बट स्टिल इन लोगों ने ले लिया कुछ कुछ। चलो ब्लॉग बन रहा है, तुम लोग धीरे धीरे बात मत करो। मैं तो देखा हिमाना आके लहसुन चुलेगी कि आज काटेगी अभी है। किसने बोला ना रात को कि मैं आके लहसुन चुलूंगी, ये ऐसे कब बोला उसने? बोला हम खाने में, लहसुन ये छील, हम खाने में हेल्प करेंगे। आपके लिए कुछ लाया है क्या? एक मुझे दे दो, एक इसको दे दो। आप ये मुझे लो। देखो ये आपके लिए कुछ कुछ ला रहे थे लेकिन रवीना मैंने सारे स्पॉइल दे दिया। ये देखिए अमेजिंग सा खाना जीतू भैया ने बनाया है। ऐसे नहीं यार, बाटी तो यार कल मैंने वहाँ पे फोटो नहीं लिया, मुझे फोटो देना प्लीज। हाँ, जो मैंने खींचा वो दे दूंगी। अच्छा गाइस, तो हम लोग जीतू भैया के आ गए हैं, सब लोग बैठे हैं, बहुत मस्त बातें हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है और अमेजिंग सा खाना जो मैंने आपको दिखाया। जीतू भैया स्पेशलिस्ट, हाँ जीतू भैया स्पेशलिस्ट, तो इसकी जो क्या बोलते हैं फ्रेग्रेंस स्मेल, फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस अरोमा, यस बियॉन्ड अमेजिंग है। हम सब लोग ने रात में इतना खाना खाया है, मैंने कुछ डाला तो नहीं था एक्चुअली, बट पेट एकदम भरा हुआ था लेकिन खाना इतना यम है, देखकर भूख लग गई। तो अभी सब लोग खाना खाएंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगी, खाना दिखा चुकी हूँ, खाना खाते हुए लोग दिखाऊंगी। उसने बोला थी राइस भी है कुछ तरह से, उसने बोला कि खाने की क्वांटिटी एकदम बहुत परफेक्शन से बनाई है, राइस इज लिमिटेड बिकॉज बाटी की सहरी, तो बाटी काफी सारा है तो राइस की क्वांटिटी एकदम सही बनी है क्योंकि हमारे से प्रोपोर्शन ऊपर नीचे हो जाता है। क्या एक्सप्लेनेशन है, वाह तालिया। एमबीए का काम है, रात को तो साथ में खाऊंगा, अगली बार तुम बोल तो मेरे को नहीं शेयर करना तेरे साथ। जब अगर हमारी सुकन्या बेचारी बोल नहीं पाती है ना तो साजन अपनी चलाता है, मनमानी कर रहा है। गाइस देखो यहाँ एक सुकन्या को प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, बेचारी बोल नहीं पाती तो एक्सप्लॉइटेड। ऐसा था खाना, बहुत प्यारा था, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, ऑथेंटिक। मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, बहुत प्यारा। मैंने बनाया, मेरे पति ने बनाया, उसका सुनाई नहीं दिया, उसे पति ने बोला यम्मीलिशियस। ओके, तो मस्त खाना खा लिया, ठीक है, लोग जा रहे हैं, चलो फिर मिलते हैं गोवा जाने वाले दिन। और बस अब हम लोग भी जा रहे हैं, वाना हमारे साथ है क्योंकि वाना इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय। और ये एक दिन पहले रात वाला खाना था जो मैंने बनाया था, ऑफ कोर्स यस, तो मैंने सोचा इसका भी एक ग्लिम्स आप लोग को दे देती हूँ, बहुत ही डिलीशियस खाना था। और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।